एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाइफ स्टडी विशेषा पाड़ोपन अकेडमी। तो आज 9 बजे फिर से आपकी शुरुआत हो गई है स्ट्रैटेजी के, जो हम लोगों ने कल देखा था, याद होगा आपको, स्ट्रैटेजी के पार्ट वन। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे पार्ट टू के रूप में। किस रूप में? पार्ट टू के रूप में, है ना भाई, पार्ट टू के रूप में। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है बच्चे? चलिए तो आज शुरुआत करें और देखें कि क्या क्या पढ़ना है हमें। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले याद होगा आपको कि आज रात 10 बजे परीक्षा के पैटर्न पर आधारित, याद होगा पिछले फ्राइडे को हम लोगों ने धमाकेदार तरीके से स्ट्रैटेजी को पूरा किया था, और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे इस स्ट्रैटेजी के में। तो आज रात 10 बजे वाई फाई स्टडी पे, मेन चैनल पे, कहाँ पे? मेन चैनल पे, मेन चैनल पे बच्चे क्या देखेंगे? योजना आयोग, जनगणना 2011, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, महारत्न कंपनियां, भारतीय नदियां, नदियों के किनारे बसे शहर, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सब कवर करेंगे। याद रखना टाइमिंग इसकी, टाइमिंग कितने? रात 10 बजे, है ना। आगे देखो, और अगर आप ज्वाइन किए हैं अकेडमी तो हमारी स्पेशल क्लास 10 बजे, और जो पेड बैच है बच्चे वो 11 बजे दिन में रेलवे के लिए। और अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर आपका सीबीटी 1 हो गया, ग्रुप डी की तैयारी करनी है, तब हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो अकेडमी, जहां पर आप देख सकते हो कि फी बिल्कुल 50% कर दी गई थी। याद होगा आपको पहले 6000 फी था, कितना? 6000 फी। अब क्या कर दिया गया? 6000 से बिल्कुल कम, यानी बिल्कुल 50%। रेफरल कोड लगा के आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, है ना। चलिए आगे देखिए हम लोग। सवाल नंबर 1 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, वाटर गैस। सवाल नंबर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो वो था मस्टर्ड गैस। क्या था वो? था मस्टर्ड गैस, बिल्कुल याद रखना। क्या था वो? मस्टर्ड गैस। क्या था भाई? मस्टर्ड गैस, है ना। आगे देखो, तो याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1914 से लेकर 1918, चार साल युद्ध हुआ था, याद होगा। और भारत में उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक नाम डाइक्लोरोडिथाइन सल्फाइड। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट सवाल, इसे सल्फर मस्टर्ड भी कहते हैं, एक जहरीली गैस है। सवाल नंबर 2, कृत्रिम श्वास रोधक रासायनिक पदार्थ है जिसे किसे कंट्रोल करने के लिए हम उपयोग करते हैं? बंदर, चूहर, चमगादड़, मच्छर। सवाल नंबर 2 जल्दी। क्या होगा भाई? सवाल नंबर 2, तो कृत्रिम श्वास रोधक रासायनिक पदार्थ जिसे नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं, किसे कंट्रोल करते हैं, किसे कंट्रोल करते हैं बताओ जरा। क्या होगा? चूहा। किसे कंट्रोल करते हैं? चूहा को। किसे कंट्रोल करते हैं बच्चे? चूहा को कंट्रोल करते हैं, याद रखना। किसे कंट्रोल करते हैं? चूहा को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल याद रखना। इनको क्या हो गया भाई? तो जिसे हम पोटेशियम साइनाइड कहते हैं, क्या कहते हैं? पोटेशियम साइनाइड कहते हैं, पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड। पोटेशियम साइनाइड का केमिकल फॉर्मूला KCN, क्या होगा? KCN, और जिंक फॉस्फाइड का केमिकल फॉर्मूला ZN3P2। यानी दो नाम से जानते हैं, या तो पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड, ठीक है भाई। आगे देखो, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब। भारत में सबसे पहले, भैया चूहा तो कर दिया, अब क्या चाहते हो बताओ? चूहा तो कर दिया, ठीक है, चूहा तो कर ही दिया,
बताओ, चूहा तो कर दिया, अब क्या चाहते हो? नहीं नहीं चूहा तो कतर कर दिया, अब क्या चाहते हो बताओ? तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम कौन लगाता बच्चे? मोहम्मद बिन कासिम, याद रखना, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लगाएगा। कौन लगाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। और फिरोजशाह तुगलक जो है ये ब्राह्मणों पर लगाता है। किस पर लगाता है? ब्राह्मणों पर लगाता है। फाइनली अकबर हटाता है और औरंगजेब लगा देता है, और औरंगजेब लगा देता है। तो कौन लगाता है? मोहम्मद बिन कासिम, याद रखना, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। द बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बोडो भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। सवाल नंबर चार, देखो बोडो की बात करें, असम, आपको याद होगा कि जो बोडो, डोगरी, ये सब आठवीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में? आठवीं अनुसूची में। तो बोडो कहां बोले जाएंगे? असम में बोले जाएंगे। कहां पर? असम में, याद रखना, ठीक है। मानव शरीर में सबसे भारी आंतरिक अंग क्या है? विच इज द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे भारी आंतरिक अंग, पैनक्रियाज, लंग्स, हार्ट, लीवर। सवाल नंबर पांच, जल्दी। तो सबसे भारी अंग की बात करें, देखो केवल क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। आपको पता है कि सबसे बड़ा ऑर्गन की बात करेंगे तो लीवर है, सेकंड ऑर्गन की बात करें तो पैनक्रियाज है। वैसे ही पूछा कि सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग क्या है? तो लीवर है। क्या है? लीवर है। अब कुछ बच्चे इसे लवर बोलते हैं, बताओ, देखो, हे भगवान। अच्छा मुझे समझ में आ गया क्यों बोलते हैं। फरवरी का महीना जो है ना गया नहीं है, कितने भारी हैं? 1.5 kg, 1.5 kg, बिल्कुल याद रखना। आगे देखो, ये देखो जो लगभग 1.6 kg यानी 1.5 kg, 1.5 kg, 3.5 pound होता है, 3.5 pound होता है ना। आगे देखो, द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आप अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व कौन से हैं? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम का, जो सेमीकंडक्टर है। क्या भाई? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। आगे देखो, विच इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, किसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में मानते हैं? सर मेरा फिफ्थ पेज में भी नहीं आया। तो बच्चे जिनका फिफ्थ पेज में नहीं आया वो 27 मार्च के बाद छठा पेज भी होगा रेलवे का, तो इससे परेशान नहीं होना है ना। किसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में जानते हैं? क्या होगा? मेसोपोटामिया, हड़प्पा, चीनी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो क्या होगा? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना। क्या भाई? मेसोपोटामिया की सभ्यता, बिल्कुल याद रखना। अभी आप देख लो टर्न पीरियड, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो 4000 BC पुराना, इसके बाद मिस्र की सभ्यता 3400 BC, इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसके बाद आप देखोगे तो चीन की सभ्यता है। ये सीक्वेंस जरूर देख लेना, ये सीक्वेंस जरूर देख लेना, ठीक है। आगे देखो, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। सवाल नंबर 8, जल्दी। क्या होगा? तो भाई जो अचार, पाप अचार वगैरह जो हम सुरक्षित रखते हैं कई दिनों तक, उसमें सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट। आलोक में लिख कर आ रहा हूं कुछ, मैं तो लिख ही नहीं रहा हूं, सारा कुछ तो लिखा हुआ है। सोडियम बेंजोएट क्या यूज करते बच्चे? सोडियम बेंजोएट, यानी सोडियम बेंजोएट का केमिकल फॉर्मूला C7H5NO2 है, जो व्यापक रूप से खाद्य संरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। दूध को कुछ समय के लिए
खुले में रखने से खट्टा हो जाता है, क्यों? कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्या होगा जल्दी? क्या बचेगा? लैक्टिक एसिड। और पता है कि लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं दही में भी, और लैक्टिक एसिड की सबसे बड़ी बात बताएं कि आपके शरीर में भी है। जो बोलते नहीं सर बहुत सर शरीर दर्द कर रहा है बिल्कुल, तो बैठे बैठे क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है ना। तो ये आप देख सकते हो दूध में शर्करा है जिसे लैक्टोज कहते हैं, और ये बैक्टीरिया के कारण, कौन बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ये खट्टा होता है या दूध से दही बनता है ना। यह लैक्टिक एसिड है जो दूध को खट्टा बनाता है, बिल्कुल याद रखना। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन है? द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, सचिव कानून मंत्रालय या फिर केंद्रीय कानून मंत्री। सवाल नंबर 10 जल्दी। तो बच्चे क्या होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 76 में की गई है, जबकि जो कैग है वो आर्टिकल नंबर 148 है, आर्टिकल नंबर 148 याद रखना। क्या होगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, जिसको तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, भारत के महान्यायवादी, भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी जिसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 76 में की गई है, आर्टिकल नंबर 76 में, जो अभी के वेणुगोपाल है। कौन है? के वेणुगोपाल है, बिल्कुल याद रखना ठीक है। निम्नलिखित में से किसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना शुरू कर दिया? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, सिपाही विद्रोह के बाद। सवाल नंबर 11 क्या होगा जल्दी? सवाल नंबर 11 बताओ। तो बच्चे अब देखो, आपको याद होगा सिपाही विद्रोह के बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 का एक्ट आता है, उस एक्ट से बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन होता है, क्योंकि भारत में इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव भारत में है वो गवर्नर जनरल है। जैसे 1858 का एक्ट आता है, गवर्नर जनरल यहां से आउट, और फिर वायसराय की एंट्री होती है, वायसराय की एंट्री होती है, बिल्कुल याद रखना ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं? फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सेकेंड फाइव ईयर प्लान, थर्ड फाइव ईयर प्लान या फिफ्थ फाइव ईयर प्लान? सवाल नंबर 12। और आज रात 10 बजे पूरा पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, तो याद रखना रात 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे है ना। तो क्या होगा बच्चे, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना, पहली पंचवर्षीय योजना को हैरेडोमर, हैरेडोमर, दूसरे पंचवर्षीय योजना को पीसी महलनोबिस, और तीसरे पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना को डीपी धर, डीपी धर क्या बोलते हैं? डीपी धर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? डीपी धर योजना, बिल्कुल याद रखना ठीक है। आगे देखो, पंचतंत्र वाज रिटन ड्यूरिंग द, पंचतंत्र किस काल के दौरान लिखा गया? गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। सवाल नंबर 13 जल्दी बताओ क्या होगा कि पंचतंत्र किसके दो किसके समय लिखा गया? आप समझ सकते हो बच्चे कि पंचतंत्र किसके दौरान, तो गुप्त काल के दौरान। किसने लिखा था पंचतंत्र? तो विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ने, गॉट इट। एक चीज और समझना, एक पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ट्रांसलेट किस पुस्तक की के पूरे वर्ल्ड में, तो वो पंचतंत्र है। आप देख सकते हो कि 20 कम से कम देशी भाषाओं में और 30 विदेशी भाषाओं में, यानी टोटल 50 भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। एक सवाल और बनेगा कि सर जो विष्णु शर्मा है वो काल तो बता दिया, राजा की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड, जिसके समय में आप नवरत्न देखते हो, जिसके समय में नवरत्न देखते हो, इसीलिए गुप्त काल को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एरा, या फिर कहते हैं स्वर्णयुग कहते हैं ठीक है। चलिए आगे देखिए फिर, कहता कुमारिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, सवाल नंबर 14, कुमारिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड टू विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, सवाल नंबर 14, जल्दी। हमने नहीं पढ़ी, अरे भाई मेरे तो पढ़ लो ना, किसने रोका आपको, पढ़ लो पंचतंत्र। आज तो इंटरनेट का जमाना है, घर बैठे टाइप करें पंचतंत्र आ जाएगा, है ना। आगे देखो, तो कुमारिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें बच्चे, हरियाणा, याद करो गोरखपुर, जरा बताओ कहां है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कहां है जल्दी गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है? अरे सर गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर स्थान उत्तर प्रदेश में है, शहर उत्तर प्रदेश में है जो राप्ती नदी के किनारे है, लेकिन गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी कहां, हरियाणा में है। कहां है? हरियाणा में। तो हरियाणा का जो सीमा किससे लगेगा, इधर पंजाब, इधर उत्तर प्रदेश, यहां दिल्ली यूटी है, यहां राजस्थान है, देख सकते हो कितने, तो ये पंजाब एक, हिमाचल प्रदेश दो, चंडीगढ़ यूटी तीन, देख लो एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, चार राज्य से सीमा लगेगा और दो यूटी से, कौन कौन, चंडीगढ़ यूटी और फिर दिल्ली यूटी और फिर दिल्ली यूटी, क्लियर है भाई, समझते चलना बिल्कुल। आगे देखो, आमतौर पर एसी में किस कंप्रेसर का उपयोग करते हैं, आमतौर पर एसी में, आमतौर पर एसी में किस कंप्रेसर का उपयोग करते हैं, तो क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे आ जाओ, तो एयर कंडीशनिंग की क्षमता पूरी तरह से कंप्रेसर की क्षमता पर निर्भर करती है। कंप्रेसर एक यांत्रिक उपकरण है, यानी क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है जो इसके आयतन को कम करके गैस के दबाव को बढ़ाता है, आप देख सकते हो यहां पे, है ना। आगे देखो, वायुमंडलीय दबाव की निरंतर रिकॉर्डिंग किस उपकरण द्वारा होती है? निश्चित रूप से गलती करेंगे इसे बच्चे, निश्चित रूप से गलती करेंगे, देखना 200% बच्चा गलती करेगा, बैरोग्राफ, वोल्टमीटर, बोलोमीटर, बैरोमीटर, जल्दी। सवाल नंबर 16, रेक्टिफायर एसी टू डीसी है ना भाई, शुक्रिया चंदन। देखो मैंने कहा 100% गलती करेगा बच्चा, गलती कर बैठा। अब एक चीज समझना, कहा वायुमंडलीय दबाव की रिकॉर्डिंग पूछा है ना कि माप, अगर पूछता कि वायुमंडलीय दबाव किससे मापते हैं तब आप बैरोमीटर के साथ जाते, माप पूछा है क्या, माप पूछा है क्या, नहीं ना, क्या पूछा है, सर जो वायुमंडलीय दबाव है उसके रिकॉर्डिंग लगातार तरीके से, तो ग्राफ है ना ये ग्राफ, ये ग्राफ शो करता है, बैरोग्राफ होगा, कर बैठे गलती, ये तो मैंने कहा कि गलती करोगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? विंध्य, अरावली, सह्याद्री, हिमालय, सवाल नंबर 17। इसीलिए कहते हैं कि भावनाओं में ना बह के सवाल को पढ़िए, आप ऑप्शन पे ज्यादा जोर देते हैं। जिनका भी कल एग्जाम है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है रोहित सर का कि बच्चे ऑप्शन से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे काफी हद तक आपका जवाब निकल कर आ जाएगा। तो पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, सह्याद्री की बात करें ये पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा दक्षिण भारत में, तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, ठीक है। यह आप देख सकते हो कि यह विंध्य है, यह अरावली है, यह विंध्याचल है, यह सतपुरा है, ये दक्कन प्लेटू है, और ये वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं, बिल्कुल याद रखना। आगे देखो, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, मीनाक्षी लेखी, इनमें से कोई नहीं। नितिन कुमार जी, देख भैया मेरा देखा हुआ, मेरी बात मान लो, है ना, जल्दी। राजस्थान में तो बच्चे सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज पहली महिला मुख्यमंत्री, और सबसे ज्यादा दिनों तक शीला दीक्षित, शीला दीक्षित, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, वियना। और आज क्लास की भरमार है 5:45, 6:45 और 7:45। जिनका भी कल पेपर है जरूर देखना। 5:45 पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, 6:45 पे अब तक के जो रेलवे ने पूछा इंपॉर्टेंट केवल 15 मिनट, और 7:45 पे गांधीयन एरा, गांधी युग पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट। बहुत मजा आएगा। टाइम याद रख लेना, कितने बजे? 5:45, 6:45, 7:45, 15 मिनट में मजा आएगा बिल्कुल, है ना। आगे देखो तो न्यूयॉर्क कहाँ है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क है, ठीक ना, न्यूयॉर्क। आगे देखो तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनओ का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1969 में की गई। न्यूयॉर्क मुख्यालय और नतालिया कनेम इसका प्रमुख है, ठीक है। आगे देखो कौन सा देश और उनकी मुद्रा के बारे में सही है? वेनेजुएला, बोलिवर, अल्बानिया, लेव, अजरबैजान, कोलोन, बुल्गारिया। लेख सवाल नंबर 20। नितिन मैंने देख लिया है लूसेन के पीछे मत रहो, उसे अपडेट करो बेटा, उसे अपडेट करो, है ना। आप लूसेन तक सीमित है ना, मैं उसे थोड़ा आगे देखा हूं, तब उसे अपडेट कर लो मेरे लाल। क्या होगा? वेनेजुएला, बोलिवर। वेनेजुएला, बोलिवर, ये आप गलती कर बैठे, देख लो आपके सामने है। ये क्लास कहां होगी? वाईफाई स्टडी यूट्यूब पे। अब ये पूरी की पूरी कहानी, बुल्गारिया, सोफिया, कैपिटल लेव, ये पूरा देख लेना बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल देख लेना। आगे देखो तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। सवाल नंबर 21। तो तीस्ता आपको पता है सिक्किम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के बीच तीस्ता नदी सीमा बनाती है, और पश्चिम सिक्किम की जो सीमा भारत का एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल से लगता है, बिल्कुल याद रखना। तो तीस्ता कहां? सिक्किम में होगा, है ना। तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा माना जाता है, ठीक है भाई। ये तीस्ता देख सकते हो, ये सिक्किम है, ये सिक्किम, ये कलिम्पोंग, ये जलपाईगुड़ी यानी वेस्ट बंगाल, और ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ये देख सकते हो, ये होते हुए बांग्लादेश चला जाता है ना। आगे देखो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम लखनऊ। कहां पे? नवाबों का शहर लखनऊ में, ठीक है भाई, जिसका ज्यादातर क्रिकेट और फुटबॉल के लिए करते हैं। आगे देखो पुलेला गोपीचंद ने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता, और किसके बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले दूसरे सटलर बन गए हैं। मतलब ये सोचो कि पहले ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? प्रकाश पादुकोण, गीत सेट्टी, पी कश्यप, सैयद मोदी। सवाल नंबर 23, जल्दी। तो क्या होगा भाई, किसने जीता? तो ये प्रकाश पादुकोण यानी दीपिका पादुकोण के डैडी, पिताजी, किसने? प्रकाश पादुकोण ने, है ना। जबकि पुलेला गोपीचंद ने 2001 में जीता, याद रखना ये 2001 में जीता। आगे देखो बोइंग एयरोस्पेस कंपनी का मुख्यालय कहां है? जल्दी, बोइंग एयरोस्पेस कंपनी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, शंघाई, शिकागो, लंदन। सवाल नंबर 24। तो बोइंग एयरोस्पेस कंपनी का मुख्यालय की बात करें तो ये कहां? शिकागो में है। कहां पे है ये? शिकागो में है, बिल्कुल याद रखना। कहां पे? शिकागो में, है ना। तो बोइंग की बात करें बच्चे, इसकी स्थापना कब किया गया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसकी स्थापना हुई है 15 जुलाई 1916 को। किसने किया? विलियम बोइंग ने। मुख्यालय शिकागो, देव कालहोन इसके सीईओ हैं। आगे देखो चेराव किस राज्य के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मिजोरम। सवाल नंबर 25। तो क्या होगा बच्चे, ये मिजोरम का है। कहाँ का है ये? मिजोरम का, याद रखना। आगे देखो मिजोरम के लोक नृत्यों में
कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये आपके सामने है, ये आपके सामने है ना। कौन सा शहर जिसे बेग्राम के नाम से भी जाना जाता है कभी गंधार के प्राचीन बौद्ध साम्राज्य की राजधानी थी? कलिंग, पाटलिपुत्र, कन्नौज, पेशावर। सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26। तो क्या होगा, बेग्राम के नाम से पेशावर को पहले बेग्राम कहा जाता था। सोचो पुराना नाम पूछता है ना, जैसे भाग्यनगर किसकी, हैदराबाद की, असम, प्राग ज्योतिषपुर, कई सारे शहर हैं, वैसे ही पेशावर को क्या कहा जाता था, बेग्राम कहा जाता था। ठीक है, तो गंधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था, पेशावर गंधार की राजधानी थी, गंधार की राजधानी थी, बिल्कुल याद रखना। आगे देखो, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात। ठीक है, तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा की बात करें, उत्तराखंड देहरादून, कहां पे, देहरादून उत्तराखंड में है, बिल्कुल याद रखना। आगे देखो, देहरादून हवाई अड्डा को जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहते हैं, यह एक घरेलू हवाई अड्डा है जो देहरादून उत्तराखंड से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। आगे देखो, टाइमलेस लक्ष्मण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल टाइमलेस लक्ष्मण। टाइमलेस लक्ष्मण की बात करें, किसने लिखा, आर के लक्ष्मण ने, किसने, आर के लक्ष्मण ने, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जारी किया था। ठीक है, तो आर के लक्ष्मण को 1973 में पद्म भूषण, 2005 में पद्म विभूषण और 1984 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एक शहर है, किस नदी के किनारे, दामोदर, तिस्ता, हुगली, गंगा। सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29। तो बच्चे अभी हमने देखा कि तिस्ता सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है, दार्जिलिंग 2004 में पहला जीआई टैग चाय को लेकर, दामोदर बंगाल का शोक, ये सीमा बनाती है पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में, है ना, याद रखना। शौकत महल एक प्रसिद्ध महल है, किस शहर में स्थित है, गुवाहाटी, भोपाल, जयपुर, जैसलमेर। सवाल नंबर 30, जल्दी। जिनका सीबीटी 1 होता जा रहा है, सीबीटी 2 की तैयारी के लिए सोच लो, ऐसा मत करना कि मेरा रिजल्ट आएगा तो होगा, 70+70, 72+75 है, आप उम्मीद कर सकते हो सीबीटी 1 पास करने की। तो ये कहां, ये भोपाल में है, कहां, ये भोपाल में है ना भाई। आगे देखो, तो शौकत महल का निर्माण 1830 के दशक में भोपाल की पहली महिला शासक सिकंदर जहां बेगम के लिए एक विवाह उपहार के रूप में किया गया था। सोचो, शादी होता था, राजा इतना बड़ा बिल्डिंग दे देता था, तो उस समय जमीन की कमी नहीं थी और प्यार भी लोग टूट के करते थे। आज क्या है कि आज भैया दिन चेंज मुमताज चेंज, आज दिन चेंज हुआ मुमताज चेंज हो गई, दिन चेंज हुआ शाहजहां चेंज हो गया, और जमीन भी नहीं है तो दिक्कत तो यही है। ठीक है भाई, तो ये था आज का सेशन, और ये एसएससी कॉम्बैट स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़, नेक्स्ट एसएससी कॉम्बैट होगा 28 फरवरी, कब होगा बच्चे, 28 फरवरी को, यहां यूज कोड लिखा है, वहां पर आप बाबा टेन लगाकर ज्वाइन कर सकते हो, बाबा टेन लगाकर ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो 3 बच्चे ने टॉप करा है, सुमित, तेजस, यश, तो अगला नंबर आपका हो सकता है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया देखेगा। ठीक है भाई, चलिए, अगर जो प्लस क्लास है 11:05 पे रेलवे में, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, 2 साल के सब्सक्रिप्शन मात्र 3,000 में, 2 साल में जितने भी रेलवे के पेपर होंगे ओवरऑल कवर करेंगे हम लोग। और एसएससी 5 मार्च से पॉलिटी आ रहा है एसएससी में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो एसएससी, जहां पे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो बहुत फायदा होगा बच्चे। और याद रहे, रात 10 बजे क्लास है आपकी, स्क्रीनशॉट लेके भूल ले लेना, भूलना मत। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे फिर रात 10 बजे बिग शो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।